सेवा से, मेहनत से, काम से जी चुराता है वो हर क्षेत्र में फेल है। क्यों? उसके दिल में धोखा आ जाएगा, कपट आ जाएगा, चोरी आ जाएगी, झूठ आ जाएगा, नजर बचाने का, छिपण का, लुपण का सारा चोरी का। लेकिन नहीं है, जब कपट पूर्ण मन उसका हो जाएगा तो अच्छा कर्म की कड़े गुंजाइश है। चोरी छिपे तो चोर करके होंगे, उनसे तो डाकू भी अच्छा साथी और पांच कर रहे थे दीदा है, उनसे ठगा अच्छा मीठा बन के प्यारा बन के तो करते है। सबसे बुरा दोस्त ये होता है, बताऊं तुम्हें, तीन प्रकार के लुटेरे हैं दुनिया में। नंबर एक चोर, चोर एक नहीं, कोई तन का चोर, मन का चोर, धन का चोर, काम का चोर, माँ बाप का चोर, गुरु का चोर, वो समाज का चोर है तो परमात्मा का भी चोर है। वो झूठा है, कपटी है, हर प्रकार के ऐब उसमें, तुम करके देख लो। वही चोरी करी, झूठ बोली, कपट मन में आया, विश्वास खो देगा इंसान। आगे का क्या विश्वास रहेगा उस आदमी का, बोलो, सोच के देखो। हालांकि जमाना वक्त, वक्त को दोष मत दो, वक्त तो हमेशा अच्छे रहे, अच्छे रहे उसके साथ बुराई साथ जुड़ी आई। अकेला समय ना कभी बुरा रहा, ना कभी सारा अच्छा रहा। जहां देवता बसते थे वहां राक्षस भी थे। देवता अपना नेक काम करते थे, राक्षस उनको परेशान करने वाले काम करते थे। वो सतयुग में भी करते थे, त्रेता में भी करते थे, द्वापर में भी करते थे, कलयुग में भी करते हैं। तो ये ना कहो, जहां पर एक चीज पैदा होगी दूसरी चीज उसके पीछे लगी हुई है। अगर दुख नहीं होता तो सुख का कोई महत्व नहीं था, कुछ नहीं पूछता। अगर अधर्म और पाप नहीं होता धर्म को कोई नहीं पूछता, धर्म का क्या मतलब रहेगा। नरक नहीं होते, स्वर्ग का कोई फायदा नहीं था, स्वर्ग की कोई चेष्टा है कोई नहीं करा। अगर रात नहीं होती तो दिन की कोई कदर नहीं थी, रात ने दिन की कदर करवा दी, पाप ने धर्म की कदर करवा दी, झूठ ने सच की कदर करवा दी, दोस्तों ने, राक्षसों ने, देवताओं की, संतों की, महापुरुषों की कदर करवा दी, समझ गए। तो इसलिए पहले तो सबसे बुरी चीज है चोर। चोर आगा पीछा तक के मन में कपट रख के, धोखा रख के, हाथ में चोरी का खेल खेल लेगा। कोई कानून से डर के, कोई माँ बाप से डर के, कोई सजा से डर के, कोई समाज से डर के चोरी छिपे खेल करेगा। और चोरी जिस चीज के अंदर पड़ता है वो चोरी बेईमानी और वो कपट करेगा, टाल नहीं है उसमें। एक दूसरा है ठग। ठग क्या, किस तरह ठगेगा इंसान को, मीठा बन जाएगा, उसका बन जाएगा, उसका आगे गिड़गिड़ा होगा, हंसेगा, झूठ बोलेगा, चाहे वो किमी भी बोलो लेकिन उसका विश्वास जीतेगा उसका बनके। दो चेहरे होंगे उसके मन के अंदर, कपट रख के भी चेहरे पर वो अच्छा दिखाओगा, उसे अच्छा दिखाओगा, उसकी बड़ाई करेगा, झूठ बोलेगा, पर्दे के पीछे तो उसके कोशिश करेगा कि क्यूकर में इसका मार हटूं, क्यूकर इसका धन हटूं, किस तरह मैं अपना गाँव चला। वो होता ठग, सुनी होगी ना ठगों की। और तीसरे किस्म के लुटेरे होते हैं डाकू। डाकू ना तो प्यारा बनता और ना डाकू चोरी छड़ कपटते करता। डाकू ताकत के बढ़ते छाती पर पा दे के, गले पर बंदूक लगा के ना और लूटता है। उन दोनों से अच्छा वो है ना, उसके कपट है ना झूठ है, और ना ही जो है वो धोखा करता है। वो दोनों झूठे कपटे धोखेबाज है। तो डाकुओं के लिए बात भी मशहूर है, वो तो अगला है। तो आदमी को सबसे ज्यादा डर किसका है? सबसे ज्यादा डर अपने मित्रों का, प्यारों का होता है, दुश्मन का डर नहीं होता। दुश्मन का तो पता है दुश्मन ही करेगा,
दुष्ट आदमी का बेरा से वो दुष्टता करेगा, दुश्मन दुश्मनी में उससे जब भी दाव लगेगा वो आवते नहीं का। लेकिन धोखा कपट कौन करेगा? मित्र करेगा। जितने भी दुनिया में बड़े धोखे कपट हुए हैं, जितने भी लोगों के साथ हुए, उनके मित्रों ने दोस्तों ने मित्र बन के करे। क्यों मित्र बनने बवाग लगा? इतवार कर लिया है तो उनने आस्तीन का सांप है, आस्तीन में हो सकता है, आस्तीन का सांप हुआ उससे डंक मारने तो नहीं बच सकते, पर तुम्हारा तो हाथ बचा देंगे ना, हाथ बचा लेंगे तो उड़ती देर चला गया तो। लेकिन आस्तीन में छिपे उड़ा होगा वो डंक मारेगा, हाथ नहीं बचा सकते, कितने भी मार देगा। तो जो आदमी सबसे बड़ा धोखेबाज वो है कि इंसान के पास रह के उसको दूसरी भाषा में हम जो है नमक हराम कह सकते, जिसका नमक खाता है उसी के साथ धोखा करता है, वो बच नहीं सकता सजा से। भूखा है, गरीब है, दुखी है, लाचार है, उसका कर्म का फल है, उसका कभी न कभी अच्छा वक्त आ जाएगा। लेकिन ऐसा जो आदमी होगा, कपटी होगा, चोर होगा, धोखेबाज होगा, आज तक किसी के तुमने देखे मेरा वैली खड़े इनके खड़े वो देखे थे, ऐसे लोग सुख भोगते कभी देखे उनके लंबे जीवन या आराम के? बताओ एक आधा भी हो तो। किस डाकू के महल बने हैं, किन चोरों के बताओ हमने अटारी देखी है? अगर उनके बन भी जाएंगे तो वो बसर का आदमी को नहीं रहेगा। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया नेक काम करो, दूसरे की भलाई की बात करो, अपने मन से बुराई कर्म से बचा करो। तो भाई आदमी का कर्म बनाना पड़ेगा, जो कर्म अपना बिगाड़ देता है उसकी कोई मदद को नहीं कर सकता, परमात्मा उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करे। और खुद करने की जब आदत डाल दोगे दूसरे के डिपेंडेंट नहीं बनोगे, दूसरे पर जो आधारित हो जाएगा वो आदमी पंगु बन जाएगा, दूसरा दल का साथ छोड़ दिया। तो बहुत सी उस आपदाओं से बचा जा सकता है, लेकिन एक आदमी की जिसकी नियत खोटी हो जाएगी ना, नियत जिस इंसान की खोटी होगी उभरेगा। नियत तुम्हारी सच्ची से, विश्वास तुम्हारा दृढ़ है, रोग आ जाओ, समस्या आ जाओ, बीमारी आ जाओ, आप चली जाएगी धक्के का, क्यों सारा रुखाड़ा बैठे है? और उस रुखाड़े में कौन ले आवा? तुम्हारा विश्वास। ये दुनिया बेवकूफ को नहीं जो इतनी चल के आवा है, उनके काम बने हैं, उन्हें शांति मिले है, उनकी तकलीफ और दर्द आ रहा हूँ सुख दे लोग हो जाए ना, मेरे पास भंडार भरे से एक उठी भर के दे दूँ का पाप ले जा भाई, भंडार भरे से किस चीज के? विश्वास के। जो इतने लोग लेके आ, विश्वास लेके आते, विश्वास के ढेर लग रहे हैं दुनिया भर के, ले जाओ को कितना है ले जाओ, लेकिन ले जाएगा वो जिसके दिल में विश्वास है। गैर विश्वासी ने कोई नहीं ले जाए, ऊपर बैठा रही हो वो अपने दुख भी भोगेगा, कर्म भी भोगेगा, उसका रोना धोना जिंदगी भरने में चलेगा। तो बार बार संतों के बारियों में क्यों आए? क्यों नौकरे दिन तो भर भर सुकरे तो भर भर पी कर नौकरे प्यासे चले गए, ये नौकरे सुकरे का सवाल कहाँ है? मन और गुरमुखता का सवाल, जो मन मर्जी के मनमुखता के काम करता हमेशा दुखी रहेंगे, और जो गुरु की आज्ञा गुरु के आदेश उपदेश शिक्षा के अनुसार काम करेगा वो आदमी कभी दुखी नहीं रह सकता। संत मत की खूबी से इसीलिए गृहस्थी आदमी को गुरु की आज्ञा के अनुसार काम करेगा सुखी जीवन उसका होगा, गृहस्थ उसका सुखी रहेगा, समाज में उसका रुतबा सही रहेगा, और पूरे जीवन की यात्रा उसकी इस तरह से बीतेगी कि ना कभी वो विचलित होगा, और अपनी जीवन यात्रा जब पूरी करके जाएगा तो शांति से सुखाला संसार से जाएगा। क्यों? कि उसने ना किसी को धोखा दिया, ना किसी का बुरा किया, उसने जो किया अपने लिए किया, वो नेक और अच्छा किया, अच्छा करा, उसका परिणाम बुरा है नहीं, हंसता हुआ जाएगा।
अच्छा करो। राधा।